बदतमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और आप संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। आज से महज कुछ महीने पहले इंडिया गठबंधन तैयार करने की बात चल रही थी। 26 दलों ने मिलकर बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला कर लिया था। तमाम दिग्गज नेता कभी पटना तो कभी बेंगलुरु तो कभी मुंबई में गले मिल रहे थे। हाथ में हाथ जोड़कर कह रहे थे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन हाय रे सियासी गणित, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। कहते हैं ना कि मतलब बिन होत न प्रीति, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक साथ मंच पर बैठकर जिन पार्टियों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने का फैसला किया, आज उन्हीं पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सिर्फ हमला नहीं कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे को बी टीम भी कह रहे हैं। ताजा मामला यूपी से आया, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा डाला। अजय राय की टिप्पणी ऐसे वक्त पर सामने आई जब अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही तरह से काम कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम की इस टिप्पणी पर अजय राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो पहले भी पूरे तरीके से भाजपा में मिले हुए थे। 2014 में जब वो चुनाव लड़ने आए थे तो वो सेटिंग गेटिंग के साथ आए थे, वो भी जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी व्यक्तिगत जो राय है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कल एक बात की, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक ही तरह से काम कर रहे हैं दोनों। अब वो देखिए, अरविंद केजरीवाल तो मैं जानता हूँ पहले से भी वो पूरी तरीके से भाजपा से मिले हुए थे। जब 2014 में बनारस चुनाव लड़ने आए तो भी वो सेटिंग गेटिंग के तहत ही आए थे। तो वो भी, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं मेरी व्यक्तिगत जो राय है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। बता दें 5 नवंबर को एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में भी पहले दो पार्टियां होती थी, दोनों ने गदर मचा रखी थी, सेटिंग थी 5 साल तुम लूटो, 5 साल तुम लूटो। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।